रावलपिंडी रीजन जो है ये पुलिसिंग के हवाले से एक बड़ा चैलेंजिंग रीजन है। एक तो बॉर्डरिंग रीजन है केपी की और आज़ाद कश्मीर के साथ, प्लस इस्लामाबाद की अपनी जो है सारे जो वहाँ पे क्राइम और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसका भी एक फॉलआउट यहाँ पे आ रहा होता है। तो अगर हम देखें तो रावलपिंडी जो है उसमें क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, ये तीनों इश्यूज जो हैं वो बड़े अहम हैं और बड़े ही चैलेंजिंग हैं। क्राइम आपको पता ही है कि यहाँ पे हर तरह का क्राइम है, कार स्नैचिंग, कार थेफ्ट, मोटरसाइकिल थेफ्ट, स्ट्रीट क्राइम, रॉबरीज, अकवाब राय तवान, हर तरह का क्राइम यहाँ पे हो रहा है, होता रहा है और उसको उसी तरह ही हम देख रहे होते हैं। उसी तरह सिक्योरिटी के इश्यूज भी हैं, PSL के मैचेस बड़े फ्रीक्वेंटली यहाँ पे होते हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जैसे अब इलेक्शंस की गहमा गहमी है तो उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ के जलसे यहाँ पे जो है बड़े रेगुलरली होते हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम है। VVIP मूवमेंट्स यहाँ पे हैं, पे अटक में जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे विजिट होती है, हिंदूज आते हैं, सिख्स आते हैं, पंजाब साहब में भी आते हैं, कासराज पे भी आते हैं। इसी तरह मरी का एक अलहदा से डायनमिक्स है, टूरिज्म वहाँ पे बड़ा रेगुलरली है, गर्मियों में अलहदा से वहाँ पे सयाह काफ़ी तादाद में आते हैं और इसी तरह स्नोफॉल का सीज़न है तो उसमें तो ये एक सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो ये रीजन की अपने चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी यूनिक हैं। क्राइम की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस बेतहाशा हैं, लेकिन हमने बड़ा फोकस किया है, हर क्राइम को अलहदा से डील किया है, उसके ऊपर डेडिकेटेड टीम्स बनाई हैं। जैसे कार थेफ्ट है तो उस पर अलहदा से एक टीम्स, तीन से एक टीम्स ने काम किया, स्नैचिंग पे अलहदा से काम किया है। मोटरसाइकिल थेफ्ट जो है वो एक बड़ा स्टेपल क्राइम है, हर अर्बन एरिया के होता है लेकिन रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स ने उस पर काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिमिनल्स खासतौर पर जो इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। क्राइम आपको पता है ये कंट्रोल तो ही तरह से होता है, एक तो प्रिवेंटिव हम मेजर्स लें जिसमें हमने पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई, उसमें डॉल्फिन स्क्वाड्स को हमने रीऑर्गेनाइज किया, उनकी मोटरसाइकिल्स ठीक करवाई, उनको जो है उन क्राइम एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट्स जिनको हम कहते हैं उधर उनकी पेट्रोलिंग जो है बड़ी फ्रिक्वेंट करवाई उन क्राइम टाइम्स के हवाले से, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक साल के अंदर 29 जो है हमारे लाइव एनकाउंटर्स में हमारे जो है पुलिस मुलाजिम जो है वो ज़ख्मी हुए और एक अनफॉर्चुनेटली शहीद भी हुआ। तो पुलिस ने बड़ा हिम्मत से काम किया है, ये प्रिवेंटिव साइड थी। इसी तरह जब हम डिटेक्शन वाली साइड पे जाते हैं तो हमने 500 से ज़्यादा गैंग्स गिरफ्तार किए हैं जो कि इस तमाम तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, और उसकी वजह से जो आप देखें कि 34% जो है क्राइम का इस दफ़ा रिड्यूस हुआ। ये सेफ सिटी जो है ये एक कैमराज की हम बात करते हैं तो इससे ज़्यादा अहम चीज़ और अहम टूल कोई हो नहीं सकता आजकल के ज़माने में। जैसे मैंने पहले बात की कि जो हमने डिटेक्शंस की हैं क्राइम में, जो हमने गैंग्स ट्रेस की हैं, उनको अरेस्ट किया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल चीज़ हमें मिली है वो CCTV फुटेजेस थे मुख्तलिफ क्राइम्स की जिसमें हमने जाके उनको फॉलो किया है। तो उस सारी चीज़ को देखते हुए रावलपिंडी में तो एक प्रॉपर एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो रहा है, उसमें 300 से ज़्यादा साइट्स जो हैं वो उसको हम कवर कर रहे हैं कैमराज के बीच में, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द जो है वो फंक्शनल हो जाएगा। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटीज़, सेफ सिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें झेलम और अटक को भी शामिल किया गया, उनके सिटी एरियाज को कवर कर रहे हैं, और फिर साथ मरी में, मरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, टूरिस्ट स्पॉट है सबसे बड़ा जिसे कहना चाहिए कि पूरे पंजाब का बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो हमारा टूरिस्ट टूरिज्म का जो मरकज़ है वो मरी है। तो उसके लिए हमने एक अलहदा से सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया। तो इंशाल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स जिस वक्त फंक्शनल हो जाएंगे तो ये इलाके पूरा रीजन जो है ये इंशाल्लाह मज़ीद सेफ भी हो जाएगा और ज़्यादा हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। पूरी कोशिश की है हमने कि जितने भी यहाँ पे हमारे पुलिस स्टेशन जो कि ख़ासतौर पे हमारी अपनी बिल्डिंग्स में जो मौजूद थे उन सबको हमने सिप्स के कन्वर्ट किया है, उनके फ्रंट एंड्स जो थे उनको बेहतर किया, लेकिन बाकी थाने भी जो थे जो कि हमारे पास चाहे रेंटल बिल्डिंग्स में है या पुरानी बिल्डिंग्स में, उनको भी बहुत इम्प्रूव किया गया है और उनके फ्रंट एंड्स, उनके क्यूमेट्रिक, उनके बाकी सारी जो सिप्स के प्रोटोकॉल्स थे उनको पूरा किया। थीम्स जो है हर थाने के अलहदा से हैं, चाहे मंगला में है तो उनको मंगला डैम के हवाले से बनाया है, जहाँ पे जिस जगह पे शहीद ज़्यादा थे उन्हें शहदा के याद में जो है उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। मरी की अगर हम बात करते हैं जो टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ हमने टूरिज़म का जो है वो थीम रखा है, तो हर जगह का एक अलहदा से थीम। पुलिस की जो बुनियादी जिम्मेदारी तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि क्राइम कंट्रोल भी है, सिक्योरिटी है, ट्रैफिक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सबसे अहम जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन हमने फील किया कि इसके साथ साथ जो माशरे में जो
पिसा हुआ तबका जिसको हम कहते हैं या जो इग्नोर्ड तबका है उसको भी हम साथ साथ मेन स्ट्रीम में ज़रूर लेके आए। उसमें सबसे अहम जो है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर ऑलरेडी एक यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ था, उसको रिवैम्प किया गया है, उसमें ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हैं और उसको हमने फॉलोअप्स रखा है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हम कर सकें। उसमें फिर आप देखें कि हमने एक स्कूल उसके हवाले से बनाया है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग जो हैं इस वक्त वो तालीम हासिल कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स की बात करें, इसी तरह आप बैगरी पे आप देखेंगे, अर्बन एरिया है तो यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग आके जो है वो गदागरी में इन्वॉल्व थे, उनकी काउंसलिंग भी की गई है सर, बजाय इसके कि हम उनको सिर्फ बैगरी एक्ट पे गिरफ्तार करके और उनको पेनलाइज किया जाए, हमने उस पर जो है उनकी काउंसलिंग करके 700 से ज़्यादा लोगों की कोशिश की है कि वो लोग ये गदागरी का प्रोफेशन छोड़ें और किसी और बाइज्जत रोज़गार पर जो जा सकें। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं जो घरों से निकल गए थे, 70 से ज़्यादा बच्चे जो हैं रनअवे चिल्ड्रन जो हैं उनको उनकी फैमिलीज़ के साथ रीयूनाइट करवाया। तो इस पर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ये पिसा हुआ तबका या वो तबका जो कि इग्नोर्ड है पूरे माशरे में उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए और उनको हम हेल्प आउट करें। पुलिस के लिए जो सबसे ज़्यादा जैसे आपने बात की वो रवैये की है कि पुलिस ऑफिसर्स का रवैया जो है वो सबसे अहम है, तो जहाँ हमने थानों को रीवैम्प किया है, हमने उनकी अपलिफ्ट किया है, उनको देखेंगे कितने खूबसूरत थाने बनाए गए हैं, लेकिन हमारा साथ साथ पूरी कोशिश ये है कि उसके अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हैं उनका रवैया भी उतना ही खूबसूरत और उतना ही कोऑपरेटिव होना चाहिए लोगों के साथ, ताकि जो लोग भी वहाँ पे आएँ उनके साथ उनको बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो फ्रंट डेस्क हैं उनको हमने कोशिश की है कि वो ई टैग्स ज़रूर लगाएँ, लोगों को अच्छी तरह से बात उनकी सुने, उनकी दरख्वास्त को रजिस्टर किया जाए, उनको ई टैग किया जाए और उसके साथ साथ उसमें फिर फॉलोअप करके उसमें मुकदमात का अंदराज। आप देखेंगे कि सिर्फ एक साल में रावलपिंडी रीजन में 20,000 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए गए हैं, चूँकि सबसे बड़ी शिकायत जो है वो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR की है। तो हमने कोशिश यही की है कि हमारी जो FIR की रजिस्ट्रेशन की तादाद जो है वो बिल्कुल जो जिनकी FIR बनती है वो फौरी तौर पर ज़रूर दी जाए। इसके साथ साथ जो लोग जिनके रवैये का शिकायत आ रही है, ख़ासतौर पर ट्रैफिक के लोगों की शिकायत आती है या थाने में जो स्नैप चेकिंग पे लोग कर रहे होते हैं उनकी शिकायत आ रही होती है या थाने में ड्यूटी ऑफिसर्स या मुहर्रर, उन सब की एक अकाउंटेबिलिटी का भी मैकेनिज्म हमने साथ साथ शुरू किया हुआ। दोनों चीज़ें हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं अपने स्टाफ की, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनको लेक्चर्स भी दे रहे हैं, उनको मोटिवेशन के लिए भी हमने मुख्तलिफ लेक्चर्स और मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का इनेकाद किया है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि जहाँ पर हमें लगता है कि ये ग्रॉसली जो है लोगों के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं या उनके साथ रवैया इनका ठीक नहीं है, वहाँ पे फिर हम अकाउंटेबिलिटी भी उनकी कर रहे हैं। फोर्स की जो वेलफेयर है वो सबसे अहम है। अगर फोर्स जो है मोटिवेटेड होगी, समझेगी कि वो इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है और यूजफुल हिस्सा है और उनको हम एक्नॉलेज करेंगे उनकी सर्विसेज को, और उस सर्विसेज को एक्नॉलेज करके उनकी जो ज़रूरियात हैं ख़ासतौर पर उनके बच्चों की तालीम है, उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उनके घर के मसाइल हैं, उनके रिहाइश के मसाइल हैं, उन सब को हल करना जो है वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। कोशिश कर रहे हैं हम कि दोनों चीज़ें हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि जो शहदा हैं जो लोग डेथ इन सर्विसेज के केसेस थे उनको हमने नौकरियां उनको दिलवाई हैं। कई कई साल से जो है उनके केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे थे, हमने वो तमाम केसेस जो है वो क्लियर करवाए हैं, ख़ासतौर पर शहदा के डेथ इन सर्विस वाले केसेस भी जो है वो मैक्सिमम जो है वो उनमें जॉब्स दिलवा दी गई हैं। और जो लोग अब रह रहे हैं जो कि अब नौकरी में मौजूद भी हैं उनके लिए भी पूरी कोशिश है कि उनके स्कॉलरशिप के केसेस, उनकी बच्चियों की शादी के मुतालिक जो कि जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक पे जो है करवाएं और उनको पैसे दिलवा दें। देखें 2023 में हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारी चीज़ें जो हैं बड़ी प्लस ही रही हैं, हमने पूरी कोशिश लेकिन बड़ी ईमानदारी से की है कि जितने भी एस्पेक्ट्स हमारे हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हैं, चाहे क्राइम के हैं, चाहे सिक्योरिटी के हैं, लॉ एंड ऑर्डर के हैं, हमारे अपने रवैये के हैं, उन सारे चैलेंजेस को हमने मीट करने की कोशिश की है। उसी की रोशनी में हमारा यही ख्याल है कि जो हमारी सक्सेसेस पिछले साल की थी उनको ही सामने रखते हुए उनको मज़ीद बेहतर करें, डेडिकेटेड टीम्स बनाएं जो कि क्राइम फाइटिंग कर सकें, इसी तरह सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें जो हम अपने SOPs हैं, अपने सिक्योरिटी ऑर्डर्स हैं उनको बेहतर करें। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है तो उसमें हम अपने ऑफिसर्स को ट्रेन ज़रूर करेंगे, उनके शॉर्ट कोर्सेज कराएंगे, उनको कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जगहों पर
उनको विजिट करवाएं और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो चाहे किसी भी रीजन में हो रही हैं उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मकसद यही है कि अपनी फोर्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, उसका ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा उसको मज़ीद डेवलप करें, प्लस जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको भी इम्प्रूव करेंगे। तो जो पिछले साल के चैलेंजेस थे और उसकी रोशनी में जो हमें नज़र आता है कि जहाँ जहाँ हमारी कमी रह गई है उसको दूर करेंगे और इंशाल्लाह इस रीजन को मज़ीद पीसफुल और सिक्योर बनाएंगे।